Hello listeners, welcome to the online class of zoology, and today we are going to do a topic of fish biology, and that too practical class hai, not theory today. Instead of theory we are going to do practical of fish biology. And the topic of the practical is permanent preparation. You have already done permanent preparation in your previous classes. In UG you have done it already. And permanent mounting का जो हम आज करेंगे experiment या practical, वो ये है कि हमें fish के cycloid scale का permanent mounting करना है. आप ये देख रहे हैं साइक्लॉइड स्केल का डायग्राम भी मैंने यहाँ पे शेयर किया है, जो कि आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं. प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आपको पहले जिसका भी आपको प्रैक्टिकल करना है उसकी आपको पहले स्लाइड बनानी होती है, और वो स्लाइड जब बन जाती है तब आप उसका स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, एंड देन यू राइट अबाउट इट. So let us first try to make good slide, या let us learn how to make a good slide. क्योंकि जब हमें को पता होगा procedure method, जब मालूम होगा कि हमें कैसे करना है, तो हम उसको properly हम कर पाएंगे और अच्छी सी slide neat and clean with clear structure हम बना पाएंगे. तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए fish, और जो fish है वो preferably हम लेते हैं जिसमें कि क्लियर स्केल्स दिखते हों, और साइक्लॉइड स्केल्स जिसमें क्लियरली मिलते हैं, प्रॉपरली मिलते हैं, वो एक वन ऑफ द एग्जांपल्स है लेबियो रोहिटा, ठीक है, जिसको कॉमन नेम जो है वो रोहू कहते हैं, और ये एडिबल फिश है और ये आसानी से मिल जाती है, ये बोनी फिश, ये जो टीलियोस्ट फिश है, और अजमेर में आना सागर में ये मिल जाती है. आना सागर में जो फिशेस की वैरायटी है वो अच्छी खासी वैरायटी है, और उसमें लेबियो तो मिल ही जाती है. सो ट्राई टू सी लेबियो देयर, और लेबियो लाने की कोशिश करना. और लेबियो में आप देखेंगे कि जो इसके जो स्किन है उस पर ये जो स्केल्स हैं साइक्लॉइड स्केल्स, ये प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं, और आपको फोर्सेप लेना है, और फोर्सेप लेके, अच्छा पहले आप जब फिश को लेके आएंगे उसको वॉश कर लीजिएगा अच्छी तरह से, फिर आप उसमें फोर्सेप की मदद से आप स्केल पुल आउट करेंगे, ठीक है. हालांकि अपन जब पुल आउट करते हैं तो दो तीन स्केल साथ में आ जाते हैं, लेकिन हमें जब माउंट करना है तो उसको ब्रश से हमको अलग करना है, जिससे कि वो जो स्केल है वो टूटे नहीं, और एक स्केल क्योंकि माउंट हमें करना है तो उस हिसाब से आप उसको थ्रू स्टेजेस हमें पास करनी होगी. अब क्या कर रहे हैं हमें कि आप एक स्केल लीजिए, उसमें वॉच ग्लास के अंदर ऑलरेडी 30% अल्कोहल आप पहले से ही डाल लीजिएगा, और उस 30% अल्कोहल में उस स्केल को डिप कर दीजिए. फिर आप क्या करें, दूसरे वॉच ग्लास से उसको कवर कर दीजिए, एंड ट्राई टू वेट फॉर 5 मिनट्स. अब आप क्या करो कि दूसरी वॉच ग्लास लो, उसमें 50% अल्कोहल उसके अंदर डाल दो, और ब्रश लेकर के जो 30% अल्कोहल में आपने स्केल डाला हुआ था उस स्केल को निकाल के आप 50% में डाल दीजिए, ठीक है. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ब्रश से स्केल को आप होल्ड कर लीजिए और 30% अल्कोहल आप डिस्कार्ड कर दीजिए, और उसमें फिर आप 50% डाल दीजिए. आप ऐसा भी कर सकते हैं, बट प्रेफर मैं यही करती हूँ कि आप दूसरे वॉच क्लास में आप जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो आप तैयार रखें. अब जैसे 50 में आप 5 मिनट वेट करें तो आप जो स्लाइड जो वॉच क्लास खाली हुई है, अब उसमें जो नेक्स्ट स्टेप है 70% अल्कोहल, वो आप ऑलरेडी डाल दीजिए. तो 5 मिनट होने के बाद में आप 50% अल्कोहल से उस स्केल को ब्रश की सहायता से आप वापस इसमें शिफ्ट कर देंगे 70% अल्कोहल में. 70% अल्कोहल के बाद में अब आता है टाइम स्टेनिंग का, एंड द स्टेन विच यू हैव टू यूज इज इओसिन, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू सिंगल स्टेनिंग इन दैट. तो अब इन दैट केस हम इओसिन स्टेन यूज़ करते हैं,
और इओसिन ऑरेंज कलर का स्टेन होता है और उसको हम 70% के बाद ही हम उसको यूज़ करते हैं। अब एक वाइवा का प्रश्न उठता है कि आप 70% के बाद ही इओसिन में क्यों स्टेन करते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद में इओसिन के बाद में स्टेन करने के बाद में हम उसको वापस 70% में क्यों डालते हैं, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन होता है। तो इसका आंसर ये है कि जो इओसिन स्टेन है उसको जब बनाया जाता है तो उसका जो बेस है उसमें हम अल्कोहल यूज़ करते हैं और वो जो अल्कोहल होता है वो 70% कंसंट्रेशन का होता है। तो इसलिए वी ट्राई टू पुट द स्पेसिमिन या जो भी हम स्लाइड का जो भी सैंपल ले रहे हैं उसको हम किस में डालेंगे, इओसिन में। और इओसिन जो है वो 70% अल्कोहल के बाद में हम इसको स्टेन कर रहे हैं और फिर हम वापस से जब वो 2 मिनट में स्टेन हो जाता है, ये 2-3 मिनट्स ही लगते हैं उसको स्टेन होने में, फिर हम उसको निकालेंगे एंड देन वील पुट इट अगैन इन टू द 70% अल्कोहल और उसके बाद में फिर 90% अल्कोहल में हम डालेंगे उसे। वेट फॉर 5 मिनट्स, शिफ्ट टू द 100% अल्कोहल, जिसको 100% अल्कोहल को एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहते हैं, आप उसमें उसको शिफ्ट कर दीजिएगा और फिर उसको आप वॉश करेंगे ज़ाइलीन से, ठीक है। वॉश देखो मैंने इसमें लिखा भी है कि वॉश विद ज़ाइलीन इन द लास्ट, है ना, सब सीरीज में वॉश करने के बाद में आप उसको ज़ाइलीन से वॉश करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको उसके बीच में वाइवा के कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी बता देती हूँ। एक तो ये कि मुझे इतनी मेहनत करने की क्यों ज़रूरत है, मैं क्यों पहले स्केल को 30 में डाल रही हूँ, फिर 50, फिर 70, फिर 90, फिर 100, क्यों भाई, मैं सीधे एब्सोल्यूट अल्कोहल में डाल दूँ, क्या दिक्कत है? नहीं, वी कैन नॉट डू सो। द रीज़न बीइंग इज़ कि अगर हम हमारा कोई भी टिश्यू अगर सीधा हम 100% या एब्सोल्यूट अल्कोहल में डालेंगे तो क्या होगा कि एकदम से वो श्रिंक हो जाएगा। क्यों श्रिंक हो जाएगा, अब इसका रीज़न भी आप सुनिए, ये भी वाइवा का हो जाता है प्रश्न। रीज़न ये है कि टिश्यू जो परमानेंट माउंटिंग है वो हम क्यों कर रहे हैं, जिससे कि टिश्यू में से वाटर मॉलिक्यूल्स हट जाएं। अब नेक्स्ट प्रश्न, अरे भाई हम वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों हटा रहे हैं, अब इसका आंसर है कि वाटर मॉलिक्यूल्स हम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि हमें स्ट्रक्चर देखना है और स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, किसी भी टिश्यू के स्ट्रक्चर को, और हम उस स्ट्रक्चर में अगर वाटर की ड्रॉप्स रहने देंगे या वाटर रहने देंगे तो क्या होगा, वाटर ड्रॉप्स जो है वो जो है उसके साथ कंफ्यूज करेंगी और वो क्या कर देंगी, ओपेक करती हैं उसको, टिश्यू को। सो ओपेक ना हो, ट्रांसपेरेंट हो जाए हमारा टिश्यू, उसके लिए हमको क्या करना है कि जो स्लाइड है या सॉरी जो टिश्यू है उसमें से हमको पानी निकालना है। अब पानी निकालने के लिए, वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमको अल्कोहल में डालना है, बिकॉज अल्कोहल एब्जॉर्ब्स वाटर, और अल्कोहल अगर हम 100% अल्कोहल में उसको डाल देंगे तो एकदम से पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा और हमारा टिश्यू डैमेज होने के चांसेस रहते हैं श्रिंक होने के कारण, ठीक है। तो इसलिए हम उसको ग्रेजुअली पानी को निकालते हैं, ग्रेजुअली सीरीज से पास करते हैं अल्कोहल की सीरीज से, जिससे कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्रेजुअली बाहर निकले और ग्रेजुअली हमारा जो टिश्यू है वो क्लियर, क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर होता चला जाए, ट्रांसपेरेंट होता चला जाए, जिससे कि हम स्ट्रक्चर को आराम से स्टडी कर सकें, ठीक है। तो इसलिए तो आपको ये सब आंसर्स मिल गए होंगे, ठीक है। अब हम क्यों ज़ाइलीन में उसको डाल रहे हैं टिश्यू को, तो ज़ाइलीन में हम इसलिए डाल रहे हैं कि ज़ाइलीन से और वो क्लियर कर देता है, ज़ाइलीन उसको टिश्यू को और ट्रांसपेरेंट कर देता है, और जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स जो अगर बाय चांस बचे भी हों तो भी वो भी निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टिश्यू क्रिस्टल क्लियर हो जाता है ज़ाइलीन तक पहुंचने तक। अब हम क्या करेंगे, टिश्यू को हम माउंट करने का टाइम आया है, फॉर दैट वी विल टेक अ स्लाइड एंड द माउंटिंग मटीरियल, DPX हो सकता है वो माउंटिंग मटीरियल या कैनेडा बालसम हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब माउंट कैसे करना है, थोड़ा सा वो भी स्टेप मैंने आपको बताया हुआ है, वो इस तरह से है कि टू प्रिपेयर द स्लाइड प्लेस अ ड्रॉप ऑफ फ्लूइड इन द सेंटर ऑफ द स्लाइड, सेंटर ऑफ द स्लाइड के बीच में ड्रॉप आप डालिए और उसको जो है
जो सैंपल है जो भी, या जो 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 स्केल है, जो साइक्लॉइड स्केल है, उसको आप क्या करो कि सेंटर में आप उसको डाल दो, सेंटर में उसको प्लेस कर दो प्रॉपरली खिसका करके, मतलब सेंटर में रहे। फिर एक एंगल पे आप कवर स्लिप को फोर्सेप्स से पकड़ो, है ना, और फिर क्या करो उसको इस तरह से करो कि जो जो डी पी एक्स या कैनेडा बालसम का जो ड्रॉप है उसके एज को टच करते हुए धीरे 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 उसको कवर स्लिप को आप उस पर मतलब नीचे लोअर करते चले जाओ, नीचे करते जाओ उसको, और ग्रेजुअली करना है। वो रीज़न ये है कि अगर एयर बबल्स आ जाएंगे तो आपकी स्लाइड ख़राब हो जाएगी, तो एयर बबल्स को अवॉइड करने के लिए आप उसको फोर्सेप्स से पकड़ करके और उसको किनारे से टच करके, ड्रॉप को किनारे से टच करके उसको धीरे 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 नीचे लेके आओ और फिर उसको धीरे से छोड़ दो, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या होगा कि जो भी एक्सेस, जो भी हमारा जो भी एक्सेस लिक्विड है, ये वाटर इसमें गलत लिख दिया गया है, प्लीज़ इसको ठीक कर लेना आप, ये वाटर नहीं है, एक्सेस लिक्विड है। ये लिक्विड कौन सा, ये कैनेडा बालसम और इसका जो होता है ना डी पी एक्स का, जो भी अगर एक्स्ट्रा थोड़ा भी बाहर आ रहा है तो उसको आप रिमूव कर दीजिएगा। तो प्लीज़ इसके अंदर जो लिखा हुआ है रिमूव एक्सेस वाटर, जो लिखा हुआ है वाटर नहीं है, ये लिक्विड होना चाहिए, तो उसको आप प्लीज़ ठीक कर लेना, ठीक है। तो उसको हम टिश्यू, जो टिश्यू पेपर होता है, है ना, या ब्लॉटिंग पेपर होता है, उससे हम उसको जो कवर स्लिप के चारों तरफ अगर कोई बाहर निकल गया है कैनेडा बालसम या डी पी एक्स, तो हम उसको उससे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब ये है कि जो स्केल, अब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम नेचुरली, अब हम उसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। तो हम देखेंगे, पहले तो थोड़ा स्केल के बारे में आपको बता देती हूँ कि जो जो स्केल है वो छोटी सी प्लेट लाइक होती है और हल्की सी रिजिड होती है अगर आप उसको टच करके देखेंगे तो, और फिश के स्किन पे होती है वो एक्सोस्केलेटन जैसे, एंड द स्किन ऑफ मोस्ट फिशेज इज कवर्ड विद दीज प्रोटेक्टिव स्केल्स। तो स्केल्स क्या है, प्रोटेक्शन के काम आते हैं, विच कैन ऑल्सो प्रोवाइड इफेक्टिव कैमोफ्लेज थ्रू द यूज़ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, समझ रहे हैं आप। स्केल क्या है, इसमें आप देखना बड़ा शाइनिंग मटेरियल होता है इसमें, तो जब इसके अंदर कोई भी लाइट पड़ती है या कुछ ऐसा होता है, सनलाइट होती है या दूसरी लाइट पड़ती है, तो इसमें कलर जो है रिफ्लेक्ट करता है, तो इस तरह से कैमोफ्लेज में भी ये काम आता है, क्योंकि जो अगर मान लीजिए ग्रीन साइड में तो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करेगा, ब्लू में तो ब्लू कलर रिफ्लेक्ट करेगा, तो इस तरह से कलरेशन उसके अंदर चेंज हो जाती है। और कुछ कुछ इसके हाइड्रो डायनेमिक एडवांटेजेस भी होते हैं, मतलब स्विमिंग में मदद करता है वो उसको, क्योंकि बायंसी और इन सब के कारण भी, तो हाइड्रोडायनेमिक एडवांटेजेस भी हैं स्केल्स के प्रेजेंस जो फिश के लिए, ठीक है। और द टर्म स्केल डिराइव्स फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच एस्केल मीनिंग अ शेल पॉड और हस्क, ठीक है, शेल पॉड और हस्क। शेल पॉड, पॉड किसके होते हैं, ध्यान है, मटर, मटर में जो होता है उसको पॉड कहते हैं, जिसके अंदर दाने होते हैं ना मटर के, वो पूरा पॉड कहलाता है। तो जो इसके है, इसका जो मीनिंग है वो किसे, शेल पॉड या हस्क के, उससे इसका मीनिंग आया है। तो इसलिए आपको स्केल के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या उसका फंक्शन है, कैसे, तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि भाई इसके क्या मतलब फंक्शन है, प्रोटेक्शन का फंक्शन है, फिर कीमोफ्लेज में हेल्प करता है, हाइड्रोडायनेमिक एडवांटेजेस भी हैं इसके, तो इस तरह से ये आपको इसके एडवांटेजेस पता होने चाहिए। अब ये साइक्लॉइड स्केल का ये देखिए प्रॉपर इसके अंदर दिया हुआ है, सबसे अंदर इसके अंदर न्यूक्लियस है और बाहर आप देखिएगा ये कंसेंट्रिक लाइंस ऑफ ग्रोथ है जो कि इसके अंदर दिखती है, बिकॉज ये जो कंसेंट्रिक लाइंस ऑफ ग्रोथ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये साइक्लॉइड स्केल की एज भी बताता है, मतलब है ना फिश की एज बताता है, रादर हम साइक्लॉइड स्केल से जो उसकी एज एंड ग्रोथ है फिश की वो भी हम पता कर सकते हैं। सो साइक्लॉइड स्केल्स आर स्मूथ, फ्लैट, राउंड एंड कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट रीजन्स। द डीपर फाइब्रस लेयर इज मेनली कम्पोज ऑफ कोलेजन एंड द आउटर बोनी लेयर इज एन ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क सैचुरेटेड प्राइमरली विद कैल्शियम बेस्ड सॉल्ट्स, ठीक है। मतलब इसमें जो फाइब्रस लेयर होती है वो कोलेजन की बनी हुई होती है, लेकिन जो आउटर लेयर है वो थोड़ी सी बोनी लेयर होती है, और उसके अंदर क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है विद दी, और उसके अंदर जो फ्रेमवर्क है वो किससे सैचुरेटेड रहता है, विद दी कैल्शियम बेस्ड सॉल्ट्स, जो भी नमक उसका होता है, सॉल्ट जो भी होता है वो कैल्शियम बेस्ड होता है। और इस तरह से डायग्राम भी बिल्कुल क्लियर है। फिर जो साइक्लॉइड स्केल का जो बोनीफिश का है वो थोड़ा सा ये भी देख लें कि वो थिन भी होता है, फ्लैक्सीबल भी होता है, और ये ओवरलैपिंग होते हैं, मतलब जैसे अरेंजमेंट इनका ऐसा होता है कि एक स्केल जो होता है वो दूसरे स्केल से ओवरलैप्ड होता है। और ये कैसे कैसे ग्रो करते हैं, जैसे जैसे फिश ग्रो करती है, मैंने बताया ना आपको, इसलिए तो एज हमको पता लग जाती है इससे। इन सम स्पीशीज स्केल्स ग्रो, स्केल्स शो ग्रोथ रिंग्स विथ
स्प्रिंग एंड समर रिंग्स वेल सेपरेटेड लिटिल ग्रोथ इन विंटर, मतलब विंटर में ग्रोथ कम होती है, स्प्रिंग में और समर में ग्रोथ ज़्यादा होती है। और जैसे कि मैंने फिर आपको मैं बता रही हूँ उसमें भी लिखा हुआ है, आप देखें ध्यान से देखें कि जो स्केल्स हैं उसमें जो रिंग्स होती हैं दीज आर यूज टू डिटरमाइन एज या ग्रोथ रेट, हमें पता करने में मदद मिलती है। अब इसमें देखिएगा आप इसके अंदर प्रॉपर और लेबलिंग हो रखी है, जैसे ये जो आप देख रहे हैं कंसेंट्रिक लाइंस हैं इनको सर्किट बोलते हैं, इधर जो है एन्यूलस प्रेजेंट है, बीच में बिल्कुल फोकस है जिसको हम न्यूक्लियाई कह रहे थे, और ये एक्सपोज्ड पार्ट होता है जो कि बाहर की तरफ होता है, ये अंदर की तरफ होता है सारा लाइनिंग्स वाला है, और ये जो बाहर जो प्लेन सा स्ट्रक्चर है ये एक्सपोज्ड पोजिशन होती है। तो इसलिए जब हम इसको फोर्सेप्स से पुल आउट करते हैं तो हमें ध्यान से पुल आउट करना चाहिए जिससे कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका वो डैमेज नहीं हो। और जब हम सीरीज में पास करते हैं तो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर डैमेज होगा तो हमें स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं दिखेगा, स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं दिखेगा तो वी कैन नॉट लर्न प्रॉपरली। इस तरह से आज ये आपका जो साइक्लॉइड स्केल का प्रैक्टिकल है, परमानेंट माउंटिंग है, वो कंप्लीट होती है। स्लाइड आप जब प्रिपेयर करते हैं तो पूरा ध्यान रखिएगा, उसमें आप मार्कर से मार्क कर सकते हैं कि आपने ये किसकी स्लाइड बनाई है, ठीक है, विद योर नेम ऑल्सो, क्योंकि परमानेंट जो स्लाइड होती है वो आप उसको परमानेंटली रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होती, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं मेनली वो उसको ख़राब करते हैं टिश्यू को, है ना, उसको ख़राब कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमने उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स ही निकाल दिए हैं तो वो उसको फिर डैमेज नहीं करेगा, और इसमें जो लाइफ होती है स्लाइड की वो काफ़ी सालों तक एज सच रहती है। तो आपको जितना भी जो भी मैंने आपको बताया है वो सब आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में नोट डाउन करना है, प्रॉपरली नोट डाउन करना है, डायग्राम्स भी आपको बनाने हैं, और साथ में लास्ट में प्रिकॉशंस भी आपको लिखने हैं। जिस तरह से आज ये आपका जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है साइक्लॉइड स्केल की परमानेंट प्रिपरेशन, ये कम्प्लीट होता है। अपन नेक्स्ट क्लास में मैं आई टॉक अबाउट सम अदर प्रैक्टिकल जो कि आपके सिलेबस में होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, थैंक यू सो मच।